कारण यह है कि मार्क्स जिस समय कैपिटल लिख रहे हैं उस समय पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसको नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है, यानी उत्तर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर, उत्तर पश्चिमी यूरोप के भी कुछ देशों और अमेरिका को छोड़कर, कहीं पर भी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन एक सुदृढ़ उत्पादन पद्धति के तौर पर अभी स्थापित ही नहीं हुआ। यह कहा जाए कि पूरी दुनिया के कितने हिस्से को कैपिटलिज्म डेमोग्राफिकली और जियोग्राफिकली कवर करता था, तो बहुत छोटा हिस्सा था, मिनिस्क्यूल हिस्सा, मतलब कितनी जनता दुनिया में पूंजीवाद के माध्यम जी रही थी, बहुत छोटा हिस्सा था पूरी दुनिया की जनता। और कैपिटलिज्म आप कह सकते हैं कि अभी एक बहुत छोटे से हिस्से में एक मोड ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर इस्टेब्लिश हो पाया। अब बहुत लोग मतलब इस चीज को अलग तरीके से देखते हैं। अभी एक बहुत ही चर्चित बायोग्राफी आई है जोनाथन स्पर्बर की, कार्ल मार्क्स 19th सेंचुरी लाइफ, बड़ी चर्चा हो रही है उसकी चारों तरफ इस समय। कोई भी मेजर एकेडमिक मैगजीन नहीं है जिसमें उसका बहुत ही बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए रिव्यूज न लिखे गए हों। उसमें जोनाथन स्पर्बर, जैसा कि टाइटल ही बुक का बताता है, कि मार्क्स मूलतः एक 19वीं शताब्दी के व्यक्ति थे और वो अपने युग की सीमाओं में थे, और मार्क्स ने बहुत सारी बातें कही वो मूलतः अब लागू नहीं होती, वो 19वीं सदी के लिए प्रासंगिक थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें वो लेते हैं, जैसे वो मार्क्स के पर्सनल लाइफ के भी बारे में बात करते हैं कि बहुत विक्टोरियन वैल्यूज को अपने उसमें लागू करते थे वगैरह वगैरह, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मूल बात यह है कि वो ये कहते हैं कि मार्क्स ने जो कहा था कि रेट ऑफ प्रॉफिट गिरता जाता है कैपिटलिज्म में पूंजी संचय बढ़ने की वजह से, पूंजी संचय बढ़ता है, पूंजी संचय बढ़ने के साथ मुनाफा अर्जित करने के लिए इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज जो है वो डिमिनिश करती है, और इस वजह से जो है पूंजीवाद का संकट रेकर करता है। अब उनका ये कहना है कि नहीं, ये तब के दौर में सही थी बात जब प्रोडक्टिव फोर्सेस का डेवलपमेंट अभी एक नए धरातल पर नहीं गया था, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का एक ऐसा दौर आ गया है कि सरप्लस वैल्यू पैदा करने का रेट इतना बढ़ गया है कि अब डिक्लाइनिंग रेट ऑफ प्रॉफिट की थियोरी जो है मार्क्स की, गिरते मुनाफे की दर का जो सिद्धांत है मार्क्स का, कि एक टेंडेंसी होती है मुनाफे की दर गिरने की, वो अब लागू नहीं होता है। तो इस तरह की बहुत बातें की जा रही है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आज प्रासंगिक क्यों है इसका मूल कारण पहला जो मुझे लगता है वो ये है कि मतलब वैसे कहा जाए कि हर व्यक्ति अपने युग की सीमाओं में होता है। महान से महान दार्शनिक, महान से महान वैज्ञानिक, महान से महान अर्थशास्त्री जिस युग में पैदा होता है उसकी मेधा उस युग की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, पहली बात। और इस तौर पर निश्चित तौर पर मार्क्स उन परिघटनाओं का विश्लेषण नहीं कर सकते थे जो परिघटनाएं अभी पैदा हुई ही नहीं, जो परिघटनाएं मार्क्स की मृत्यु के बाद पैदा हुई। मार्क्स के थियोरी की प्रेडिक्टिव पावर कितनी है इसका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि मार्क्स ने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में क्या लिखा। जाहिर सी बात, जो परिघटना मार्क्स की मृत्यु के बाद पैदा हुई उसके बारे में मार्क्स क्या कहते हैं, ये सवाल ही इनवैलिड है, रॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन किसी भी चिंतक का योगदान मूल तौर पर इस आधार पर निर्धारित नहीं होता है कि किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में उसने फिनोमेनन के बारे में उसने क्या कहा, बल्कि इस बात से निर्धारित होता है कि साइंस को उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। साइंस ऑफ सोसाइटी हो सकता है, साइंस ऑफ नेचर हो सकता है, इन जनरल अभी मैं बात कर रहा हूँ कि साइंस को थिंकर का या फिलोसफर का कंट्रीब्यूशन क्या है। दूसरे शब्दों में उसने अप्रोच और मेथड के प्लेन पे क्या कंट्रीब्यूट किया, उसने क्या ऐसे एनालिटिकल टूल्स दिए, क्या ऐसा एनालिटिकल अप्रोच और मेथड दिया जो कि हिस्टोरिकल जो टेम्पोरल लिमिट्स जो कालिक ऐतिहासिक सीमाएं हैं उसको ट्रांसेंड करता है, उसका अतिक्रमण करता है। क्या मार्क्स ने ऐसा साइंस दिया जो कि आज भी पूंजीवाद की परिघटनाओं को समझने में मदद कर सकता है और समझने की प्रक्रिया में खुद भी विकसित हो सकता है मार्क्स का एनालिटिकल टूल, क्योंकि साइंस एक लिविंग चीज़ होती है, एक डेड चीज़ नहीं होती। साइंस कभी ये नहीं दावा करता कि मैं सारे सवालों का जवाब दे सकता, वो धर्म दावा करता है क्योंकि धर्म कभी सही सवाल पूछता नहीं। तो इसलिए साइंस कभी ये दावा नहीं करेगा कि मैं सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया। जिस दिन साइंस ऐसा करेगा साइंस विल बी ओब्लाइज टू कमिट सुसाइड। साइंस के सामने हमेशा एक अननोन फ्रंटियर होता है और अननोन को नोन बनाने की प्रोसेस ही साइंस का प्राइम मूवर होता है, और जब वो अननोन को नोन बनाता है तो उसके सामने अननोन का एक नया फ्रंटियर होता है। ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती है क्योंकि जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं ये मटीरियल वर्ल्ड, ये कोई स्टैटिक चीज नहीं, स्थैतिक वस्तु नहीं, ये भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, गतिमान है। और इसलिए साइंस को भी नई परिघटनाओं, नए विकासों को समझने के लिए, नए डेवलपमेंट्स को समझने के लिए अपने आप को विकसित करना पड़ेगा। इस तौर पे मार्क्स ने क्या ऐसे एनालिटिकल टूल्स दिए जिनमें एक क्षमता है कि वो
नए परिघटनाओं का विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या करने में सक्षम है और इस प्रक्रिया में खुद को और विकसित करने में सक्षम है, जैसा कि हर साइंटिफिक थ्योरी को होना चाहिए। तो ये है मार्क्स का जो मेथड है, जो अप्रोच है डायलेक्टिकल मटीरियलिस्ट या मटीरियलिस्ट डायलेक्टिक्स, वो उसमें ये क्षमता है। दूसरी बात यह है कि कई बार मार्क्सवाद को डिसप्रूव या डिसक्रेडिट करने के लिए ये कहा जाता है कि मार्क्स ने फला बात कही थी जो फला बात गलत थी, और उन्होंने जो फला बात एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कही थी वो लागू नहीं होती, वगैरह वगैरह। इसके पीछे देखिए क्या नोशन है, इसके पीछे नोशन ये है कि मार्क्सिज्म इज एन एग्रीगेशन ऑफ वॉट एवर मार्क्स सेड रोट और डिड। मार्क्सिज्म जो है, मार्क्स ने जो कुछ कहा उसका एक योगात्मक समुच्चय है, एग्रीगेटिव कलेक्शन। लेकिन मार्क्सिज्म जो है, मार्क्स ने जो कुछ कहा उसका एग्रीगेटिव कलेक्शन नहीं। मार्क्स ने जो मेथड और अप्रोच दिया वो मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का किसी एक पर्टिकुलर बहुत सवालों पे मार्क्स गलत हो सकते हैं और मार्क्स गलत थे, इससे मार्क्सिज्म की सेहत या मार्क्सिज्म के वैलिडिटी की सेहत पे कोई ज्यादा असर नहीं, क्योंकि मार्क्सिज्म एज अ वर्ल्ड व्यू एज अ मेथड वैलिड है। तो इसलिए इस तरह की बातें करना कि मार्क्स 19वीं सेंचुरी में पैदा होते तो न्यूटन उनसे पहले पैदा होते, लेकिन सेब टूटता है तो आप आज भी धरती पर ही गिरता है, उड़ तो नहीं जाता आसमान में, क्योंकि न्यूटन की थियरी में एक साइंटिफिक प्रेडिक्टिव पावर, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ को उसने डिस्कवर किया, और यूनिवर्सल ट्रूथ का एक ट्रांसेंडेंटल वैल्यू होता है जो कि काली टेम्पोरल रियलिटीज को ट्रांसेंड करता है। और निश्चित तौर पर नए दौर में इस यूनिवर्सल ट्रूथ का एप्लीकेशन अलग बन जाता है, अप्लाइड साइंस हमेशा साइंस से डिफरेंट होता है इस तौर पर। तो पहला कारण जो हमें लगता है वो ये है कि मार्क्स ने जिस कैपिटलिज्म की को समझने और व्याख्या करने की प्रक्रिया में कैपिटल लिखा, वो उस दुनिया में जिस समय मार्क्स लिख रहे थे उस दुनिया में वो कैपिटलिज्म बहुत छोटे से हिस्से थे। कैपिटलिज्म के बारे में उसी वक्त मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म इज द मोस्ट डायनेमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड इट्स द फर्स्ट ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तब वो ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन था नहीं, वो बहुत ही लोकलाइज था दुनिया के हिसाब से, लेकिन ये मार्क्स का जो लॉजिक था, जिस तरीके से उन्होंने कैपिटलिज्म को समझा और ये बताया कि कैपिटलिज्म का बुनियादी तर्क मुनाफा और पूंजी संचय का तर्क होता है, प्रॉफिट का और कैपिटल एक्युमुलेशन का तर्क होता है, और कैपिटल एक्युमुलेशन का बेसिक लॉजिक ये होता है कि कैपिटल या तो एक्सपेंड करती है या पेरिश करती है, कैपिटल कभी स्टैटिक नहीं रह सकती, और इसलिए कैपिटलिज्म पहले ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर यही मोड ऑफ प्रोडक्शन उभर सकता है। ये बात 1867 में मार्क्स कहते हैं, और आज की दुनिया में कहा जाए तो कैपिटलिज्म एक ट्रूली ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन बन चुका है। खास तौर पे कहा जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1980s तक वो सारा दुनिया का हिस्सा जहाँ पे प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन मौजूद थे, किसी न किसी किस्म के फ्यूडल या किसी और किस्म का पेजेंट पेटी कमोडिटी प्रोड्यूसर इकोनॉमी या अलग अलग किस्म के जो प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन मौजूद थे वो अब नहीं मौजूद। डीकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुई और इन द मेन मुख्यतः और मूलतः 1980 के दशक के खत्म होते होते वो समाप्त हो गई, कुछ एक देश नामीबिया वगैरह रह गए थे। इसके अलावा पूरी दुनिया में अधिकांश डाइवर्सिफाइड इकोनॉमीज जो थी वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम आ चुकी। तो ये कहना कि आज कैपिटलिज्म बहुत बदल गया है और मार्क्स की कैपिटल पुरानी पड़ गई है, उल्टी बात, आज का कैपिटलिज्म उस कैपिटलिज्म से को ज़्यादा रिजेंबल करता है, उससे ज़्यादा मेल खाता है जिस कैपिटलिज्म की बात या उसका डिस्क्रिप्शन मार्क्स ने कैपिटल में दिया था बनिस्पत मार्क्स के दौर का कैपिटलिज्म। दूसरे शब्दों में आज के दौर का कैपिटलिज्म इज मच क्लोजर टू द कैपिटलिज्म डिस्क्राइब्ड इन दास कैपिटल रादर देन द कैपिटलिज्म प्रिवेलिंग इन द पीरियड ऑफ मार्क्स। तो इस तौर पर यह पहला कारण। दूसरा कारण जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि 1867 के मुकाबले या 1917 जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ तब के मुकाबले दुनिया में जो वर्गों का ध्रुवीकरण है वो कहीं ज़्यादा विकसित हो गया। दुनिया में वर्गों का जो ध्रुवीकरण 1917 में अगर आप रूस में देखें तो 86% जो पॉपुलेशन थी वो इंटरमीडिएट क्लासेस में आती थी, वो कैपिटलिस्ट क्लास या प्रोलेटेरियत में नहीं आती थी। बोल्शेविक रेवोल्यूशन के समय प्रोलेटेरियत का परसेंटेज रशियन सोसाइटी में 11% और 86% पेजेंट्री का परसेंटेज था। तो जो इंटरमीडिएट क्लासेस थे वो इवन सिर्फ दो कंट्रीज एक्सेप्शन थी, इंग्लैंड और अमेरिका, जहाँ पर बे जर्नल्स
उजरती श्रम करने वाले लोगों का परसेंटेज जो है वो पॉपुलेशन में 50% क्रॉस कर रहा था। इसके अलावा इवन वो देश जहां पे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन अब स्थापित हो चुका था, मसलन जर्मनी, फ्रांस, इन देशों में भी टोटल पॉपुलेशन का मेजॉरिटी जो था